नमस्कार, मैं शुभि चतुर्वेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ UP24 न्यूज में। उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं का सिलसिला बरकरार है। कठोर कानून बनने के बाद भी रेप की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जी हाँ, हम बात उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की कर रहे हैं, जहाँ 9th क्लास की छात्रा के साथ 3 युवकों ने रेप की घटना को अंजाम दिया और उसका वीडियो भी बना लिया। जब वह छात्रा रोते हुए अपने घर पहुंची, तब जाकर घटना का पता चला। वहीं छात्रा के मेडिकल भी कराया गया है और वहीं दूसरी ओर रेप करने वाले 3 युवक वहां से फरार हैं। मामला फिरोजाबाद जनपद का है, जहाँ रास्ते में जा रही एक 15 वर्षीय किशोरी को गांव के ही 3 लड़के अपने घर में जबरन खींचकर ले गए और एक कमरे में बंद कर तीनों ने बारी बारी से रेप किया। और लड़की ने जब इसका विरोध जताया तो उसे जान से मारने की धमकी भी देने लगे और उसकी मोबाइल से वीडियो भी बना ली। जब लड़की की हालत बिगड़ने लगी तो लहू लुहान अवस्था में वे इसे घर में ही छोड़कर भाग गए। वही परेशान हालत में जब लड़की अपने घर पहुंची तो छात्रा को लेकर उसके परिवार वाले थाने गए। जब पीड़िता छात्रा ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। हालांकि पुलिस ने देर रात तक तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्या नाम है? देवेन। देवेन जी, आपकी बेटी साथ क्या घटना हुई है? तो कपड़ा डाल के आ रही थी, रास्ता में पकड़ के खींचे लगी वाला लड़का। ये कितने लोग थे और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव केसरी के, ये पड़ोस के 50 मीटर आगे के घर आए मेरे। क्या आपकी बेटी से कोई रेप वेप किया है क्या? हाँ। कितने लोगों ने किया है? अभी जो तो बिटिया ने मैंने बताया था, यही साहब मैंने कितने को बताया है आपको? 3 को बताया है। 3 लोगों? तो आपने तहरीर दे दी थाने, मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, तहरीर दे दी। पीड़िता छात्रा को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और आरोपियों के घर पर दबिश देना चालू कर दिया है। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस घटना के बाद देर रात मौके पर SSP राहुल यादुबेंदु के साथ साथ पुलिस के कई अधिकारी भी गांव में पहुंचे और फिलहाल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही घटना है। अभी पंजीकृत कराया है, जिसमें उसका आरोप यह है कि उसकी पुत्री के साथ गांव के ही 3 युवकों ने दुराचार किया है और इसका अभियोग थाना नसीरपुर में पंजीकृत कर लिया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। इसके लिए टीम गठित कर दी। शुरुआती दौर पे किस तरह का मामला आया है और सामूहिक बलात्कार या किस तरह? हाँ, ये सामूहिक बलात्कार का मामला है। इसमें 3 आरोपी हैं और पीड़िता की मेडिकल उपचार हेतु मेडिकल परीक्षण हेतु भेज दिया और बाकी पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। रेप की इस तरह की घटनाएं होना कानून को खुलेआम चुनौती देने के बराबर है। अब देखना ये है कि पुलिस इतना कठोर कानून बनाने के बाद भी आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।